सो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है और आप वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो क्या जिन लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं है वो वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं? इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, ज़रूरी नहीं हर किसी की गर्लफ्रेंड हो, ठीक है। जो इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, उन लोगों की बात करूँ तो बहुत रेयरली उनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं बेचारे, वो बड़े मतलब उनका फीमेल इंट्रैक्शन बहुत कम होता है। ऐसे मैं बहुत लड़कों को जानता हूँ जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, और जो वैलेंटाइंस वीक आता है, वैलेंटाइंस डे आता है, तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। बोलते हैं यार हमारा तो कोई मतलब ही नहीं, हमारी तो कोई बंदी नहीं, हमारी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, तो हमारे लिए तो है ही नहीं। पड़े रहते हैं कहीं पे, कुछ लोग डिप्रेस्ड रहते हैं क्योंकि उनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होता है, या उनकी जो कोई एक्स गर्लफ्रेंड होती है उनकी याद में पड़े रहते हैं, दारू पीते रहते हैं, अपना शरीर बर्बाद करते रहते हैं, तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। मतलब इस जो बेचारे दिल टूटे आशिक होते हैं ना, जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है, उनके लिए तो ये हफ्ता पत्थर की तरह चुभता उन्हें। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, ज़रूरी नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वैलेंटाइंस डे को मनाने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं बताता हूँ क्या तरीके हो सकते हैं। अगर आपकी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर आप इतने लकी हो कि आपके दादी दादा हैं, तो आप उनके साथ इसको सेलिब्रेट कर सकते हो। घर में केक लाओ, कट करो, उनके साथ शेयर करो, उनसे पूछो कि आपके ज़माने में जो कपल हुआ करते थे, जो लड़के लड़के एक दूसरे को पसंद किया करते थे, तो वो कैसे बातें किया करते थे। उस वक्त पे बैठो, उनसे चीज़ें पूछो, शेयर करो। अगर आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं इतने ओपन नहीं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, तो थोड़ी सी हिंट ले सकते हो, थोड़ा और बात कर सकते हो। जैसे कि दादा, जब ऐसे आप पढ़ते थे साथ में, तो क्या लड़कियां भी पढ़ती थी, मतलब वो आपको शैतानी वगैरह करती थी, आपको चिढ़ाती थी? इस तरीके से आप पूछ सकते हो, तो आपका जो वो दिन होगा ना, बहुत स्पेशल हो जाएगा। आप चाहें तो अपने मम्मी पापा के लिए भी कोई पार्टी, कोई छोटा सा सरप्राइज, कुछ गिफ्ट आप अपनी मॉम डैड को दे सकते हो वैलेंटाइंस डे पर। सेलिब्रेट कर सकते हो उनके साथ। इवन आप ऐसे काम कर सकते हो जिसको आपको खुशी मिले। अगर आप समर्थ हैं तो आप अनाथालय जा सकते हैं, आप ओल्ड एज होम्स जा सकते हैं, उन लोगों के साथ बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे पूछिए कि आपके ज़माने में जब ये सब हुआ करता था, जो ये सब लड़के लड़कियाँ, जो जवान लोग हुआ करते थे, वो किस तरीके से बात किया करते थे, क्या क्या हुआ करता था। तो आपको इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। अब इस वीडियो को अगर कोई लड़की भी दिख रही हो तो वो भी आपको ओल्ड एज होम में मिल जाएगी, वहाँ बैठ के आप उससे बात कर सकते हो, तो भैया आपकी तो चांदी ही चांदी है। अगर नहीं भी तो आपको अच्छा लगेगा, आप जब मदद करेंगे अच्छा लगेगा, अच्छे काम करेंगे, किसी को दान देंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे, तो वो एक स्पेशल दिन बन जाएगा वैलेंटाइंस डे आपका, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं, जी नहीं, ज़रूरी नहीं कि वैलेंटाइंस डे पर आपकी गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी है। आप बिना गर्लफ्रेंड के भी वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कई लोग डिप्रेस्ड होते हैं। अगर जिन लोगों को रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो ये बात मान के चलो कि आपकी लाइफ में शायद उस लड़की से भी बेटर लड़की है, और अच्छी लड़की आपको मिल सकती है। एक लड़की आपको छोड़ के चली गई तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई, जिंदगी बहुत बढ़िया है। हो सकता है उससे भी बेटर लड़की आपको मिले, बिल्कुल उससे बेटर लड़की। शायद भगवान ये देख रहे हो कि यार ये लड़की इसके लिए ठीक नहीं है, तो शायद वो आपको नहीं मिली, आपको बेटर लड़की मिल सकती है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब लड़की दुखी होती है, हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई लड़की दुखी होती है, वो स्टेटस डालती है, तो उसको पुचकारने के लिए, उसको सांत्वना बंधाने के लिए, या जो भी कहें हिंदी में, उसको पैम्पर करने के लिए बेसिकली बहुत लड़के आ जाते हैं। वो बोले आई एम फीलिंग अपसेट, इतने मैसेज आते हैं लड़कों के, क्या हुआ आपको, क्या हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। ये होता है, ये बात हम जानते हैं। लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भरी रहती है, उनको मैसेज भी बहुत आते रहते हैं, तो उनको अकेलापन बहुत कम होता है। लेकिन अगर लड़के के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसको कोई नहीं पूछता। अगर उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, उसको किसी चीज़ का रिग्रेट है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारे समाज में ऐसा होता है कि लड़कों को पूछने वाला कोई नहीं होता। तो उनको एडवाइस देना, उनको चीज़ें समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। उनको उनकी काउंसलिंग करना, उनको समझाना चीज़ें इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट लड़कों को हमें इग्नोर नहीं करना, क्योंकि लड़के भी मानसिक तनाव से गुजरते हैं। वैलेंटाइंस डे पर जिस लड़के का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, उसके साथ क्या बीतती है, ये मुझे पता है। जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और जो अपने दोस्तों को देख रहा है लड़कियों के साथ घूमते हुए, उसके साथ प्रॉब्लम होती है, उसे देखकर तकलीफ होती है। तो मैंने आपको बता दिया, तकलीफ की कोई बात नहीं है। दुनिया में आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, खुश हैं और अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, एक ना एक दिन तो ज़रूर आपको ऐसी लाइफ पार्टनर मिलेगी। अभी नहीं तो बाद में, थोड़े दिनों बाद सही वक्त पर ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, अच्छे काम करें, सेलिब्रेट करें। कैसे करना मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चैनल है सागर की वाणी, ये मेरे बारे में, यहाँ पर मैं जो भी चीज़ करता हूँ मैं अपलोड करता हूँ। चाहे मैं अपनी कार धुलवाने बाहर जा रहा हूँ, या तो मैं भूतों की स्टोरी या मिस्टीरियस नाइट्स बना रहा हूँ, या तो मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, या तो ऐसी एडवाइसेस दे रहा हूँ आपको। तो ये चैनल इट्स ऑल अबाउट मी। तो अगर आप ऐसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो इंतजार करो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।